हाय गाइस, रिसेंटली कुछ दिनों पहले इंडिया में 15 से 20 हजार के प्राइस में बहुत सारे फोन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से एक रेडमी नोट 11 प्रो 5G, रियलमी की तरफ से रियलमी 9 प्रो 5G एंड सैमसंग गैलेक्सी F23 देखने को मिल जाता है। तीनों ही फोन में अच्छे लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, बस यहाँ पे प्राइस में कुछ 1-2 हजार का फर्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फुल कंपैरिजन करने वाले हैं रेडमी नोट 11 प्रो 5G, रियलमी 9 प्रो 5G एंड सैमसंग गैलेक्सी F23 के बीच में कि किसमें आपको सबसे अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है प्राइस के हिसाब से, और आखिर कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट बात करते हैं इन तीनों फोन के बीच में कंपैरिजन की। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह का कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। तो सबसे पहले कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इन फोनों के बीच में प्रोसेसर की। तो यहाँ पे रेडमी नोट 11 प्रो 5G एंड रियलमी 9 प्रो 5G दोनों ही स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F23 में क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 750G का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जहाँ पे अगर इन प्रोसेसर की N22 स्कोर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर का N22 स्कोर 3.8 लाख अप्रोक्स निकल के आ जाता है, जबकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का N22 स्कोर 3.4 लाख के अप्रोक्स निकल के आता है। तो क्लियरली यहाँ पे रेडमी नोट 11 प्रो 5G एंड रियलमी 9 प्रो 5G में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। खैर, आप कैमरा की बात कर लेते हैं, आखिर कौन से फोन में हम लोग को यहाँ पे बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। वही यहाँ पे हम लोग को रियलमी 9 प्रो 5G में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिल जाता है, जबकि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F23 में ओनली 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलता है। साथ ही सेल्फी कैमरा की बात करें तो रेडमी नोट 11 प्रो प्लस में 16 मेगापिक्सल का सेंटर पंचोल फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है एंड रियलमी 9 प्रो 5G में 16 मेगापिक्सल का कॉर्नर पंचोल कट कैमरा देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F23 में ओल्ड जनरेशन डिजाइन के साथ ओनली 8 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉपलेट फ्रंट कैमरा दिया गया है। ऑब्वियसली इन सारे स्मार्टफोनों में रेडमी नोट 11 प्रो प्लस में 108 मेगापिक्सल का स्ट्रॉन्ग कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग को एक इशू देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप सिर्फ हाईएस्ट 1080 पिक्सल के साथ 30 FPS पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। खैर, आप बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो तीनों ही फोन में हम लोग को 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे रेडमी नोट 11 प्रो में 67 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, जबकि रियलमी 9 प्रो में ओनली 33 W का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F23 में ओनली यहाँ पे 25 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G बैटरी एंड चार्जिंग वाइज आगे निकल के आ जाता है, जहाँ पे हम लोग को 67 W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। अब दोस्तों, अगर डिस्प्ले की बात करें तो रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G में 120Hz के साथ 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे रियलमी 9 प्रो 5G एंड सैमसंग गैलेक्सी F23 में 6.6 इंच का फुल HD प्लस LCD स्क्रीन दिया गया है। अगेन, रेडमी यहाँ पे भी डिस्प्ले वाइज विनर निकल के आ जाता है, जहाँ पे हम लोग को सुपर एमोलेड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, प्राइस की बात कर लेते हैं और देखेंगे कि तीनों ही स्मार्टफोन में यहाँ पे कौन सा फोन प्राइस वाइज बेस्ट निकल के आता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका की नाम दोस्तों तक्सल है, जो की इंडिया के मोस्ट अर्निंग एप्लीकेशनों में से एक है। अगर दोस्तों आपका प्रिडिक्शन स्किल एंड IQ लेवल थोड़ा सा भी अच्छा है, जो की होगा ही दोस्तों आपका, तो ये गेम आप ही के लिए बना है, जो आपको 1 गुना 2 गुना सिर्फ 3 गुना ही नहीं, डायरेक्टली 9 गुना पैसा देता है। तो दोस्तों, अगर आप 10 रुपया लगाते हो तो यहाँ पे आपको पूरे 90 रुपया मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस गेम को जीतने की स्ट्रेटेजी। फर्स्ट, आप खेलने से पहले विनिंग लिस्ट जरूर चेक करें, लास्ट के जो नंबर खुल चुके हैं उनको छोड़कर 2 या 3 नंबर पे बढ़ते हुए क्रम में पैसा लगाएं, जिससे आप अपने पैसे को तो रिकवर करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ एडिशनल अमाउंट भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, कमाल का एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप इजिली कुछ पैसे बना सकते हैं। तो सोच कह रहे हो, जाओ जल्दी से डाउनलोड करो तक्सल एप्लीकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब प्राइस देखें तो रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G का प्राइस कुछ 19,999 रखा गया है, जबकि 6GB प्लस 128GB का प्राइस यहाँ पे रियलमी 9 प्रो प्लस 5G का 17,999 के अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F23 का प्राइस ओनली 16,999 के अप्रॉक्स देखने को मिलता है। दोस्तों, तीनों ही स्मार्टफोन हम लोग को सेल के दौरान 1000 डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिल जाएगा।